दोस्तों बट यू नो में आपका स्वागत है। आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन तो आया ही होगा कि डेड पर्सन का फिंगरप्रिंट यूज करे फोन में तो क्या होगा, क्या वो काम करेगा या नहीं। तो इसके लिए आपको मोबाइल का सिंपल वर्किंग समझना होगा। जो ये फोन होता है वो टच स्क्रीन होता है, तो ये स्क्रीन काम कैसे करता है? तो ये स्क्रीन काम करता है आपके हाथ में मौजूद इलेक्ट्रिकल चार्ज से। आपके बॉडी में बिजली है तभी आप जिंदा है, मतलब एनर्जी है, इसी को रीड करके आपका मोबाइल काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस तब तक होता है जब इंसान जिंदा होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में फिंगरप्रिंट फोन में वर्क नहीं करता। बट फिर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई अगर बेहोश हो जाएगा तो क्या वो काम करेगा। तो उसी लॉजिक से अगर आप देखें तो कोई बेहोश होता है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस तो होते ही है उनकी बॉडी में, वो इंसान मरा थोड़ी है। जब कोई बेहोश होता है तो उसका कॉन्शियसनेस ही चला जाता है, उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो तो होता ही है। तो ऐसी कंडीशन में फिंगरप्रिंट चलता है। क्या कोमा में भी काम करेगा ये फिंगरप्रिंट? जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक फिंगरप्रिंट काम करता रहेगा। तो उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल चार्ज तभी भी दौड़ता ही होगा। अगर कोई मर गया तभी वो चार्ज बिल्कुल जीरो होगा, तभी फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।